सो गाइस, जैसे कि तुम लोगों को पता होगा कि इस गेम के अंदर अभी ऑटो सर्विस सेंटर खुला है, जिसमें हम अपने नॉर्मल से व्हीकल को बहुत ही सही तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आज की इस वाली वीडियो में हम मिलिट्री की जितनी भी गाड़ियां हैं उन सभी को कस्टमाइज करेंगे, और इन सब काम के बीच में हम उनकी नॉर्मल वैल्यू से लेके कस्टमाइजेशन के बाद वाली वैल्यू भी चेक करेंगे कि व्हीकल की वैल्यू इससे बढ़ेगी या नहीं। ओके, तो पहले मुझे मिलिट्री बेस जाके उन सभी गाड़ियों को लाना पड़ेगा। ओके, 5-स्टार पुलिस के लिए मैं तैयार हूँ। सबसे पहले इसको लेके चलते हैं। ओ भाई, चलो कैसे तैसे निकल गया मैं उधर से। ओके, पुलिस एस्केप बस होने ही वाला है। या हो गया, तो इस गाड़ी को मैं यहाँ पे पार्किंग लॉट में खड़ी कर देता हूँ। ओके लेट्स गो, अभी दूसरे व्हीकल की बारी। या इस बार एंट्री मैंने खतरनाक मारी है भाई। अभी हम जो गाड़ी लेके गए हैं वो सेम ऐसी ही है। या ये परफेक्ट है, इसमें भाई नाइट्रो भी लगा है, मतलब कि पुलिस एस्केप जल्दी हो जाएगा। हो भी क्या, इसको भी पार्किंग में खड़ी कर देता हूँ। ओके, अब तीसरे व्हीकल की बारी। बट वेट भाई, मैंने इस व्हीकल को भी कस्टमाइज किया था, बट इसके सामने के चक्के छोटे बड़े हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं आ गया भाई। बहुत ही गंदी लैंडिंग हुई है। चलो अभी व्हीकल बदलते हैं। हाँ ये सही है। ओके, शायद मुझे उसे ले जाना चाहिए। या ये शायद आखिरी व्हीकल है हमारा, इस बार मैं पीछे से स्केप करूंगा। या भाई, पीछे साइड पुलिस नहीं थी। चलो इसे भी मैंने यहाँ खड़ा कर दिया। सो गाइस, हमारा काम तो हो गया, बट मैं एक बार मिलिट्री बेस और जा रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि इस गेम में रिसेंटली काफी सारे अपडेट आए हैं, और मुझे जाके ये चेक करना है कि कहीं मैंने कोई नया व्हीकल मिस तो नहीं कर दिया। भाई ये गाड़ी तो बर्बाद हो गई, अभी मुझे पैदल ही चलना पड़ेगा कुछ समय बाद। ओके लेट्स गो भाई, अभी तो मैं मिलिट्री बेस के अंदर गया भी नहीं और पुलिस पहले ही पड़ गई। यार ये काम और खतरनाक हो गया अभी, बट कोई बात नहीं। तो हाँ, मैंने पूरा मिलिट्री बेस अच्छे से चेक किया, बट मुझे कोई भी नया व्हीकल नहीं दिखा। और भाई आखिरी में इन लोगों ने मुझे पकड़ ही लिया था, बट कैसे तैसे मैं अपनी जान बचा के ऐसा भागा हूँ कि मैंने दोबारा पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। ओके, तो मैंने जितने भी व्हीकल्स थे उन सभी को यहाँ पे ला लिया है, और अब टाइम है इनकी एक्चुअल वैल्यू चेक करने का। ओके, $81 भाई, लेकिन जिस तरीके की मेहनत मैंने इन्हें लाने के लिए की है उसके हिसाब से $81 बहुत कम है। ओके चलो, अब दूसरे व्हीकल की बारी। भाई इसके $109। चलो कोई बात नहीं, अब तीसरे व्हीकल की बारी। भाई इसके $150। यार मुझे नहीं बेचना। सो गाइस, अब टाइम आ चुका है इन सभी व्हीकल को कस्टमाइज करने का। ओके, पहले इस बगी की बारी। ओके, तो अनफॉर्चुनेटली हम इस व्हीकल का कलर चेंज नहीं कर सकते, और नाइट्रो तो इस गाड़ी में पहले से लगा है। बाकी हाँ, व्हील्स वगैरह तो हम बड़े कर सकते हैं। ओके, तो ये कस्टमाइज होने के बाद कुछ ऐसी दिख रही है। ओके, तो चलो अब दूसरे व्हीकल की बारी। तो इस वाले व्हीकल में भी हम व्हील ही बड़े कर सकते हैं, और भाई अब मॉन्स्टर ट्रक लग रही है। ओके चलो, अब तीसरे व्हीकल की बारी। सो गाइस, मेरा ये व्हीकल पहले से डैमेज था, इसे मैं सुधरवा सकता हूँ $300 देके। ओके, तो मैंने इसके भी व्हील्स बड़े कर दिए। व्हाट द फक भाई, इतने बड़े व्हील्स का भी कोई फायदा नहीं है। ओके सो गाइस, अब टाइम आ चुका है इन कस्टमाइज की हुई व्हीकल्स की वैल्यू चेक करने का। ओके लेट्स गो, चलो देखते हैं कितना बताएगा। व्हाट आर यू सीरियस भाई, 1499, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गई, बट मैं ऐसे नहीं बेचने वाला। ओके तो अब दूसरे व्हीकल की बारी, और भाई इस बार मैं एक्साइटेड हूँ। वेट भाई, मैं सिचुएशन बता दे रहा हूँ, ये जो गाड़ी है नीचे ही नहीं उतर रही थी, तो इसको तुम लोग इग्नोर करना। ओ भाई ये हट गई। अबे इसके $140 क्यों भाई, ये कम ज्यादा वैल्यू क्यों बता रहा है भाई, मुझे नहीं समझ आ रहा। बट चलो अब तीसरे व्हीकल की बारी है, देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी बताता है ये। वेट भाई, $102। यार सबसे अच्छी तो यही थी दिखने में। सो गाइस, मुझे कमेंट करके बताना कि हम इन व्हीकल के साथ और क्या कर सकते हैं, जैसे कि इस व्हीकल से हम मिलिट्री वालों से फाइट ले सकते हैं। Yo, Paris, this shit high, boy.